अब मैं आमंत्रित करता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद माननीय प्रोफेसर साहब को, वो आए और अपनी बात रख के जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए माननीय प्रोफेसर साहब का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो नारे लगा रहे हैं, सबने चेहरा देख लिया आपका, आपका चेहरा सबने देख लिया है, कृपया करें, कृपया शांत हो जाइए, आपको सब पहचान गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सतीश मिश्रा जी, आदरणीय जया बच्चन जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और अगले चुनाव की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, बहनों और भाइयों, नौजवान दोस्तों, 2019 का चुनाव, एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट केवल, 2019 का चुनाव ये जो नौजवान खड़े हुए हैं, इनकी किस्मत का फैसला करने वाला है। 23 मई को अगर मोदी हटते हैं तो आपके भाग्य पर जो ताला लगा हुआ है वो खुल जाएगा, और इसलिए हर हिंदुस्तानी की, कन्नौज के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि यहां से डिंपल यादव को, और जहां हमारा उम्मीदवार नहीं है वहां हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ साइकिल का बटन दबाएं, और जहाँ बीएसपी का उम्मीदवार है वहाँ हाथी का बटन दबाएं। हमारे दोनों नेताओं ने, श्री अखिलेश यादव जी ने, बहन मायावती जी ने ये कहा है कि जो बसपा का उम्मीदवार है, अखिलेश जी ने कहा वो हमारा उम्मीदवार है, बहन जी ने कहा कि जो सपा का उम्मीदवार है वो हमारा उम्मीदवार है, अब की एक ही चिन्ह होगा, मशीन पे दो नहीं होंगे, या तो साइकिल होगा या हाथी होगा। यहाँ साइकिल है, साइकिल का बटन दबाइए, और 5 साल में जितना गड़बड़ियां हुई हैं, जितना झूठ बोला गया है, जितना आज भी टीवी पे चल रहा है, न 15 लाख आए, न अच्छे दिन आए, और कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे उड़े, बोलो तो ये बताओ, अपनी अपनी पोलिंगों को 90% करोगे कि नहीं, और उससे ऊपर देखिए, हाथ उठा के वादा कर रहे हो, वादा खिलाफ ही मत करना, ये बीच में हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विजयी बनाओ डिंपल को, दिल्ली में सत्ता में पहुंचाइए महागठबंधन को।